Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about how to study dental materials. Dental materials BDS second year ka ek bahut important subject hota hai jiske liye sabse pehle hum baat kar lete hain books ki. To sabse pehle jo standard book hai yani ki agar aap sath ke sath ise padhte jaoge to aapki NEET PG ki bhi taiyari acche se ho sakti hai. To that is Syllabus. पर उसके अलावा अगर आप केवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो एकेडमिक सेशन के लिए उसके लिए है मनापली. मनापली में सभी टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट में डिस्कस किए हुए हैं ताकि आप उन्हें इजीली समझ पाओ और इजीली उनको याद कर पाओ और क्वेश्चन के एस्पेक्ट से ही उन क्वेश्चंस को आंसर्स को तैयार किया गया है. उसके अलावा अब हम बात करते हैं स्टडी कैसे करना है, सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ना है. तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि डेंटल मटेरियल्स में हमें पढ़ना क्या है. डेंटल मटेरियल्स, डेंटल का मतलब क्या होता है, डेंटिस्ट्री, और मटेरियल्स यानी कि डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले मटेरियल्स. तो डेंटिस्ट्री में जितने भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं ये हम केवल प्रोस्थोडोंटिक्स में यूज़ होने वाले जो मटेरियल होते हैं केवल उनकी बात नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रोस्थोडोंटिक में क्या यूज़ होते हैं, इम्प्रेशन मटेरियल, उसके बाद कास्ट पोर करने के लिए जिप्सम प्रोडक्ट्स, उसके बाद ब्रीडिंग एंड बॉक्सिंग करने के लिए जो वैक्स यूज़ होती है, उसके बाद आर्टिफिशियल टीथ, ये सब. पर इसी के अलावा ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर इसके साथ हम डेंटिस्ट्री की बाकी के ब्रांचेस में कौन कौन से डेंटल मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल एंडोडोंटिक्स में, कंजर्वेटिव में क्या यूज़ होते हैं, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स और GIC, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की. तो पूरे डेंटल मटेरियल के पूरे सिलेबस को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़. सबसे पहला पार्ट है जनरल क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स, क्योंकि डेंटल मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को तो हमें समझना पड़ेगा ना. तो सबसे पहले सभी डेंटल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही एक यूनिट बना दी, उसके अंडर आपके 7 चैप्टर्स आ जाते हैं. उसके बाद सेकेंड यूनिट है ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स, यानी कि जो डेंटल मटेरियल्स यूज़ होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, पर वो फाइनल जो रिज़ल्ट आता है उसका पार्ट नहीं बन पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं तो कंप्लीट डेंचर में तो केवल रेजिन आता है और आर्टिफिशियल टीथ आते हैं, पर उसको बनाने में जो प्रोसेस हुई है उसके दौरान जो इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ हुआ है, कास्ट यूज़ हुई है, जिप्सम प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, वो सभी फाइनल कंप्लीट डेंचर का पार्ट तो नहीं बने पर वो प्रोसेस में यूज़ हुए थे. सो दीज आर द ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स जिसमें आपके 4 चैप्टर्स आ जाते हैं. उसके बाद थर्ड यूनिट है डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स. रेस्टोरेशन में यानी कि एंडोडोंटिक्स में जो आपके रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं. उसके बाद फोर्थ यूनिट है इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल. इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल का क्या मतलब होता है, रेस्टोरेशन में ही यूज़ होते हैं. रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी दांत को बचाने में या फिर उसकी जगह दूसरा लेके आने में, तो ये भी रेस्टोरेशन में ही यूज़ होते हैं पर इनडायरेक्टली. डायरेक्ट में क्या होता है, हम फिलिंग कर देते हैं तो हम कंपोजिट या फिर GIC वो फिल करते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल. पर उसके अलावा इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल में क्या क्या आते हैं, हम जैसे प्रोस्थोडोंटिक्स में क्राउन बनाते हैं तो क्राउन में जो मेटल यूज़ होती है उसके अलावा पॉलीमर्स, रेजिन या फिर डेंटल इम्प्लांट हम करते हैं दांतों को रिप्लेस करने के लिए, और उसके अलावा और भी बहुत सारी इमर्जिंग टेक्निक्स. तो इन सभी के बारे में हम इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स में पढ़ते हैं. अब एक एक करके हम इन सभी चैप्टर्स को, क्योंकि इस वीडियो में हम डेंटल मटेरियल्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, इसलिए एक एक करके आज हम हाइलाइट्स कर लेते हैं हर एक चैप्टर की ताकि आपको ईजी लगे और अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको समझ आए. उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट.
दैट. और सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल्स. इसमें बेसिकली आपको डेंटल मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होता है कि डेंटल मटेरियल्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन बेसिकली वही होता है बेस्ड ऑन देयर यूजेस, लाइक प्रिवेंटिव मटेरियल है या फिर रेस्टोरेटिव है या फिर ऑक्सिलरी मटेरियल है, यानी कि प्रोसेस के दौरान यूज हो रहा है. तो इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है और इनके बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं. उसके बाद सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडहेजन, यानी कि इसमें इनके इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल इंटरैक्शन, तो ये सभी बॉन्ड्स आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं. उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर फाइनल एग्जाम्स एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी डेंटल मटेरियल की वो हम पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल एब्रेजन. अब ले लीजिए अगर आप कंप्लीट डेंचर में आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं तो उसके टूथ की कितनी एब्रेजन है, कितना एब्रेजन रेजिस्टेंस है ताकि वो घिसे ना, ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं. किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है, क्रीप कितना है, वो फ्लो कितना है. उसके अलावा कलर के बारे में बहुत जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम विनियर लगाते हैं या फिर आर्टिफिशियल क्राउन लगाते हैं तो जो बाकी के दांत है पेशेंट के उनसे मैच होना चाहिए. तो अगर आपने फिजिक्स में केवल तीन ही डायमेंशंस पढ़ी थी एक्स वाई जेड, यहाँ पे वैसा ही है. कलर की भी यहाँ पे थ्री डायमेंशंस होती हैं, ह्यू, क्रोमा, वैल्यू. उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है. एक्चुअली जितने भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे बता रही हूँ उन सभी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज टार्निश, और कोरोजन के टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सब थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम अब डेंटल मटेरियल्स के पढ़ेंगे. उसमें क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेस आपने पढ़ा भी होगा, फोर्स पर एरिया है ना. अब स्ट्रेस के टाइप्स भी पढ़ने हैं आपको, टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. उसके अलावा फिजिक्स में जो आपने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा होगा ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, और आपको याद भी करना है और लिख के भी आना है क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है. उसके अलावा वही फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस क्या है, पॉइजन्स रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 या फिर 3 मार्क्स के ज़रूर आएंगे. तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, और ये पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, तो आप नोटबुक लेके इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, या फिर आप जब भी अपनी बुक उठाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे और आप ज़रूर इनको पढ़ना अच्छे से. आज के इस वीडियो का मेरा केवल एम है आप सभी को अपने सिलेबस से, डेंटल मटेरियल के सिलेबस से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना, थोड़ा सा फैमिलियर कराना, ताकि आप डेंटल मटेरियल्स को ये मत समझो कि ये बहुत अजीब है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे पढ़ना है. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है और आप बहुत इजीली इसको कवर कर लोगे. उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट डेंटल अलॉयज. कास्ट डेंटल एलॉयज बेसिकली क्या होते हैं, जो मेटल की क्राउन होती है, क्राउन आपने देखी होगी पेशेंट्स में, हम आरसीटी करने के बाद क्राउन चढ़ाते हैं, तो क्राउन बेसिकली मेटल की बनी होती है. तो अगर पेशेंट क्राउन मेटल की चाहता है तो मेटल की क्राउन बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, जिसे हम कास्टिंग प्रोसीजर कहते हैं. तो उसके दौरान यूज होने वाले क्या क्या मटेरियल्स होते हैं कास्टिंग प्रोसीजर में, कास्ट में कौन सा अलॉय यूज होने वाला है, अलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके, तो उन मेटल्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. उसके बाद आता है डेंटल पॉलीमर्स. पॉलीमर क्या होता है, जो मोनोमर को कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है. तो इसमें आप मोनोमर्स भी पढ़ोगे, मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर कैसे बनता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पॉलीमराइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन है या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है. एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 2 मोनोमर्स जो हैं वो जुड़ के पॉलीमर बना देते हैं. और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 2 मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर तो बनाते ही बनाते हैं,
प्लस उसके साथ कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। या तो वाटर या फिर अल्कोहल, कुछ ना कुछ इसमें से बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और उसके अलावा पॉलीमराइजेशन के स्टेप्स भी आपको अच्छे से याद करने हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट आर द स्टेजेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिजिकल स्टेजेस ऑफ पॉलीमराइजेशन भी होती हैं और केमिकल स्टेजेस ऑफ पॉलीमराइजेशन भी होती हैं। इस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं हम, बायो कंपेटिबिलिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है कितनी कंपेटिबिलिटी मैच करती है, कि भाई अगर हम कोई डेंटल मटेरियल किसी पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको कितना फ़ायदा कर सकता है या फिर कितना नुकसान कर सकता है। इसके लिए हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ताकि कि कोई भी डेंटल मटेरियल जब बनता है उसकी पहले टेस्टिंग होती है, तभी अगर वो सही है या फिर अगर वो रिस्की है उनके बेसिस पे उसको पास किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो इन सभी स्टेप्स के बारे में हम बायो कंपेटिबिलिटी ऑफ डेंटल मटेरियल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट आती है ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स। ऑक्सिलरी का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ड्यूरिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं पर फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसका पार्ट ये नहीं बनते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, इम्प्रेशन मटेरियल। जब भी हम कोई भी कंप्लीट डेंचर बनाते हैं या फिर RPD बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पेशेंट का इम्प्रेशन तो लेना होता है। तो इम्प्रेशन मटेरियल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल। रिजिड यानी कि जो सॉलिड होता है। अब सॉलिड किस में यूज़ हो सकता है, अगर हम किसी पेशेंट की RPD बनाना चाहते हैं यानी कि रिमूवल पार्शियल डेंचर, तो इसका मतलब हमें इम्प्रेशन उसके के जो जितने भी दांत मिसिंग हैं उनका इम्प्रेशन लेना है। तो अगर हमने रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल उस पेशेंट में यूज़ कर लिया तो जो बाकी के दांत प्रेजेंट हैं उनमें वो फंस सकता है। तो इसलिए रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल हम केवल उन पेशेंट्स में यूज़ करेंगे जिनके लिए हमें CD बनाना है, यानी कि edentulous पेशेंट में ही हमें रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करना है। इसमें जनरली हम इम्प्रेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी उस पर आ सकता है। उसके बाद सेकेंड हो गया अपना इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल। इलास्टिक यानी कि थोड़ी सी रबर जैसी इसमें कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि अगार या फिर एल्जिनेट, इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। उसके अलावा थर्ड होता है इलास्टोमरिक इम्प्रेशन मटेरियल। ये भी बहुत अच्छा इम्प्रेशन मटेरियल होता है जो एक सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल होता है। तो ये इम्प्रेशन मटेरियल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आ गया हमारा जिप्सम प्रोडक्ट्स। जिप्सम प्रोडक्ट्स किसके लिए यूज होते हैं, जो हम कास्ट पोर करते हैं। इम्प्रेशन अगर हमने लिया पेशेंट का, उसके बाद हम उसकी बीडिंग बॉक्सिंग करते हैं। बीडिंग बॉक्सिंग करने के बाद जब हम उसको पोर करेंगे, पोर हम किससे करते हैं, किसी भी जिप्सम प्रोडक्ट से। तो जिप्सम प्रोडक्ट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जिप्सम प्रोडक्ट्स 5 टाइप्स के होते हैं, Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5। तो इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हमको अलग अलग इनकी अच्छे से याद करना है। और इनमें आपको एक 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, राइट डाउन द कंपेरिजन ऑफ ऑल 5 टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आपका Type 2 जिप्सम प्रोडक्ट होता है, जिसे हम डेंटल प्लास्टर भी कहते हैं, वो बीटा हेमिहाइड्रेट का बना होता है। और जो Type 3 जिप्सम प्रोडक्ट होता है, जिसे हम डेंटल स्टोन कहते हैं, वो अल्फा हेमिहाइड्रेट का बना होता है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन पेपर में, बीटा हेमिहाइड्रेट और अल्फा हेमिहाइड्रेट में डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टर और स्टोन, या फिर बीटा हेमिहाइड्रेट और अल्फा हेमिहाइड्रेट, ये आपको बहुत ज़रूरी याद करना है। उसी के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ सेटिंग रिएक्शन। 3 थ्योरीज हैं, सबसे पहली है कोलोइडल थ्योरी, सेकंड है हाइड्रेशन थ्योरी, और थर्ड है डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन थ्योरी, जिसे हम क्रिस्टलाइन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड, जो क्रिस्टलाइन थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो क्वेश्चन केवल थर्ड थ्योरी पे आ सकता है, या फिर केवल क्वेश्चन आ सकता है थ्योरीज ऑफ सेटिंग, जिसमें आपको तीनों डिस्क्राइब अच्छे से करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा जिप्सम प्रोडक्ट वाला चैप्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डेंटल वैक्सेस, कास्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड कास्टिंग प्रोसीजर्स।
डेंटल वैक्स में कौन कौन सी वैक्स आप यूज़ करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सेस आपको यहाँ पे करना है। उसी के अलावा जो इम्पोर्टेंट वैक्सेस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैक्सेस हैं, उनके कंपोनेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज सभी आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल वैक्स भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से मिनरल भी होते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, इंसेक्ट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। उसके अलावा सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर आपको लिखनी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि डेंटल मटेरियल्स का क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आता है, तो इसलिए आप अगर चाहें तो केवल सेकंड क्लासिफिकेशन ये वाला भी लिख सकते हैं, जो है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ डेंटल वैक्सेस होते हैं। पहला है पैटर्न वैक्सेस, सेकंड है प्रोसेसिंग वैक्सेस, एंड थर्ड इज इम्प्रेशन वैक्सेस। पैटर्न वैक्सेस जो बेसिकली पैटर्न बनाने के काम आती है, कैसे कैसे इनले बनाने में, आरपीडी कास्टिंग करने में, बेस प्लेट के लिए। उसके अलावा सेकंड होती है प्रोसेसिंग वैक्सेस, जो प्रोसेस के दौरान यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल बीडिंग बॉक्सिंग करने के लिए जो यूज़ होती है, यूटिलिटी वैक्स, स्टिकी वैक्स, तो ये आगे इनके फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा जो इम्प्रेशन वैक्स का है, उसके फर्दर दो डिवीज़न है, पहली है कुरेक्टिव वैक्स और सेकेंड होती है बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स, यानी कि हम बाइट चेक करने के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं वैक्स को, दैट इज बाइट रजिस्ट्रेशन वैक्स। उसके अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कास्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड कास्टिंग प्रोसीजर्स। कास्टिंग मैंने आपको बताया था, कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, जिन पेशेंट्स में हमें मेटल की क्राउन चढ़ानी होती है तो हमें उसके लिए अलग प्रोसीजर करना पड़ता है। ये भी प्रोस्टोडोंटिक्स का ही पार्ट है, पढ़ाया भी जाता है, पर ये जनरली MDS में स्पेशलिटी में करवाया जाता है प्रैक्टिकली। तो कास्टिंग प्रोसीजर में जो जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट हम बेसिकली POP की करते हैं, जिप्सम बॉन्डिंग हो गई, या फिर फॉस्फेट बॉन्डिंग हो गई इनके, या फिर इथाइल सिलिकेट बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये तीन इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन होते हैं। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ याद करना है, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन जाता है। उसके अलावा सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज, या फिर कास्टिंग प्रोसीजर के स्टेप्स मैंने जो प्रैक्टिकल मैंने वीडियो बनाई है प्रैक्टिकल सपोर्टिंग पे, उसमें मैंने इस प्रोसीजर के सभी स्टेप्स को अच्छे से बताया है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ, इसी से मेरे को याद आया, डेंटल मटेरियल के सपोर्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी सपोर्टिंग रखी जाती है, उन सभी पे मैं ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सेकेंड ईयर के मैंने माइक्रोबायो और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल के वीडियोस डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो फोर्थ हमारा चैप्टर है, दैट इज मटेरियल्स एंड प्रोसेस फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। बिल्कुल लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो हम पॉलिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने रेस्टोरेशन की है तो उसकी फिनिशिंग करते हैं ना हम लास्ट में, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं।